नमस्कार। अभी हमें शांति जूनियर स्कूल नरेला में और हमारे साथ हैं यहाँ की फैकल्टी यानी टीचर। आई जानते हैं जिस प्रकार से वो बच्चों को मैनेज करती हैं उसकी काफ़ी प्रशंसा की जाती है। आई जानते हैं आखिर क्या कुछ गुण हैं उनमें। आप सबों का स्वागत है। क्या नाम है मैम आपका? माई नेम इज़ प्रतिभा गौतम एंड आई एम सीनियर केजी टीचर हेयर। कैसे बच्चों को मैनेज करती हैं? काफ़ी बच्चे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा कर रहे थे। सर ये हमारे जो स्कूल का स्कीम है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ एक एडुकेशनल एक्टिविटी से एक बच्चों को सिखा रहे हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट द कॉपी और द पेन, बट इट्स अबाउट द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ आवर चाइल्ड। हम सिर्फ उनको एक्टिविटी के थ्रू और टूर के थ्रू और हर एक ट्रिप के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उनको इलेक्ट्रॉनिक टूर करवाते हैं, सो दैट दे प्रैक्टिकली नो अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे बच्चे, वो हम देख रहे थे। आप एंकरिंग भी कर रहे थे, तो क्या एंकरिंग के लिए बच्चों को सिखा दी? नो, नथिंग लाइक जस्ट दैट, बट हाँ ये है, बच्चे टीचर से ही मोटिवेट होते हैं, तो सो इसलिए हम इसीलिए जो टीचर्स होते हैं उनको पिलर ऑफ द एजुकेशन कहा जाता है। तो हमारे जो हम बच्चों के ऊपर ये मोटिव रखते हैं, बच्चों के लिए ये बोलते हैं कि उनको हर एक फील्ड में जब वो सुबह आते हैं तो हम उनको एक एनकरेजमेंट क्लास रहती है उनकी, जिसमें उनको बोला जाता है आई एम गुड, आई एम ब्रेव एंड आई एम कैन डू एवरीथिंग, सो दैट कि बच्चों को पहले से एक ऐसा एंथुसियाज्म रहे कि वो पूरा दिन ऐसा परफॉर्म कर सके, उनके माइंड सेट ऐसा रहे कि वो हर एक फील्ड में अच्छा इम्प्रूव कर सकते। और यही कारण कि आज आप पेरेंट्स को भी मंच पर आपने नाचने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये आप ऐसा कह सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? आई एम पूजा खरमानिया। आप क्या देखती हैं यहाँ पर? सर मैं जूनियर केजी की टीचर। जूनियर केजी से काफी काफी बच्चों को अपने मंच पर काफी मोटिवेट किया। सर कैसे बच्चों को आप सिखाती हैं? और सर हम बच्चों को नॉर्मली नहीं सिखाते, एक्टिविटी बेस्ड सिखाते हैं। एक्टिविटी से जैसे कि बच्चों को अभी समझ नहीं आता कई चीज़ें कि हम ऐसे नॉर्मल बोल देते हैं, तो उन्हें वो प्रोप लेके आओ, बच्चे को उससे समझाओ, एनिमल्स की हम खुद एक्टिंग करके दिखाते हैं सर, तब बच्चे कर पाते हैं, वरना बच्चे तो नथिंग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे अच्छे या सर हमें साथ की साथ साथ हम बच्चों को सिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, ताकि बच्चे और मोटिवेट हो और पेरेंट्स को भी ज़्यादा अच्छा लगता है फिर ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सीनियर के जी के साथ ही हूँ मैं। हाँ जी सर। कैसे बच्चों को तैयार करती हैं, क्योंकि बच्चे को जो परफॉर्मेंस देखने से लग रहा था कि बहुत तेजी से बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे खुद भी बहुत एक्टिव हैं, जल्दी से कैच भी करते हैं, हम उनको एक बार बताते हैं वो कैच कर जाते हैं, उनके पास भी इतनी मतलब उनका माइंड इतना एक्टिव है कि वो एक बार बताएंगे वो कर जाएंगे कैच। और यहाँ पे एक्टिविटीज जितनी होती है ना उसके अकॉर्डिंग बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जो भी बच्चों को अगर एक बार बोलोगे वो कर देंगे उस चीज़ को। पेरेंट्स से कोऑपरेट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। बता देती हैं तो घर से सीख के आते हैं? हाँ जी, पेरेंट्स भी बल्कि इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ में, पेरेंट्स को भी मतलब अच्छा लगता है काफ़ी, जैसे एक्टिविटी करवाते हैं हम उनके पास एक पर्टिकुलर वीडियो बना के सेंड करते हैं, वो सेम चीज़ घर पे रिपीट होती है, तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं इन चीज़ों को। कोरोना काल में कैसे स्कूल को मैनेज किया? मैम थ्रू ऑनलाइन। हाँ जी ऑनलाइन भी बहुत अच्छी। सिखाने में प्रॉब्लम नहीं? सब मैनेज हो जाता है। हाँ जी वो कुछ पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं ना, पेरेंट्स भी पूरे हमारा सपोर्ट करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माइसेल्फ मीनू एंड आई एम क्लास ऑफ नर्सरी टीचर। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग नर्सरी को लेके होगा? बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनको एक बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलना होता है। हम लोगों को कहते हैं जैसे उनको डॉट्स पे सिखाना, फिर मतलब टैचिंग करना, फिर डॉट्स पे लेके आना, डॉट्स के बाद फिर हम उनको डायरेक्टली लेटर्स पे लेकर आते हैं, तो ये जो सब कुछ होता है वो नर्सरी के अंदर ही होता है, तो ये सब मैंने हैंडल किया है इसने। और सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है, यहाँ से पहले मैंने बहुत सारे स्कूल में टीचिंग की है, लेकिन जब मैं इस स्कूल में आई तो जब मैंने देखा यहाँ पे मदर्स को फादर को इन्वॉल्व किया जाता है हर एक्टिविटी में, और यहाँ जो बच्चों को हम देखते हैं वो रियल लाइफ से जोड़ते हैं, मतलब बुक्स में जो हमने चीज़ें दिखाई है वो बुक्स में ना दिखाकर हम रियल में दिखाते हैं। जैसे एक थीम आई थी हमारी सर हेल्पर्स को लेकर, थीम्स आई थी तो उसमें हमने हेल्पर्स को बुक्स में तो बताया उनको, लेकिन मैं वो मेरी थीम थी सर, मैं उनको बच्चों को लेकर गई, जैसे बार्बर है तो मैं बार्बर के पास गई, वहाँ पे उनको दिखाया कि क्या क्या यूज करते हैं बार्बर, और फिर पुलिस मैन से मैंने उनको मिलवाया, डॉक्टर से मैंने उनको मिलवाया, डॉक्टर के जितने भी मटेरियल होते हैं वो दिखवाए हैं मैंने, तो ये सारी चीज़ें हमने रियल लाइफ से उनको दिखाया। तो रियल लाइफ में क्या होता है, बच्चा देखता है और सीखता भी ज़्यादा है बुक्स के मुकाबले, मैंने इतना देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ ही और यहाँ पे। खासतौर से कोरोना काल में ऑनलाइन में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी नर्सरी वाली? हाँ थोड़ा दिक्कत आ रही थी, लेकिन बच्चे जैसे मतलब क्लास ली, पेरेंट्स भी साथ में बैठते थे, हम लोग भी सामने होते थे, तो उनको पता होता था ये हमारी टीचर है, तो थोड़ा बच्चे मतलब डरते भी थे और प्यार से थोड़ा हैंडल भी हो जाते थे। उनको मैंने ना कि लिखना वो कराया, वैसे ओरली कराते थे ज़्यादा। थैंक यू। हाँ वीडियो बना के पेरेंट्स भेजते थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
जी मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज शीता सर, और आई एम क्लास टॉड केयर सर, जो कि हमारे ना टॉड केयर से स्टार्ट होता है हमारे स्कूल का। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे टॉड केयर में ही आते हैं सर। तो उनको मैनेज करना सर ऐसे होता है जैसे अपनी फैमिली में मदर्स मैनेज करती ना बच्चों को, तो स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही मैनेज करना होता है। ये नहीं कि भाई बच्चों को सर लेटर दिया और वो लिख रहे हैं, सर हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है। जैसे हम सबसे पहले कोई भी लेटर्स है जैसे ए फोर अल्फाबेट्स में हम ले लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू दिखाते हैं बच्चों को, ताकि माइंड में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये ए फोर एप्पल है। और फिर क्या सर, हम दूसरा म्यूजिकली कराते हैं बच्चों को, क्या ना कि वो जल्दी से ना म्यूजिकली जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं बच्चे। और दूसरा सर, वो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कोऑपरेट करना सर बहुत इजीली हो जाता है। जैसे मदर करती ना, नहीं बेटा खा लो ऐसे कुछ बोल के सर उनको जैसे हैंडल करना पड़ता है सर, वैसे तो हैंडल हो जाते हैं। तो सारे बच्चे को अलग अलग से खिलाने के लिए आपको नहीं? हाँ जी सर, मैं जैसे हमारे स्कूल में क्या है बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या करना है खिलाना पड़ता सर आराम से बाइट कर करके, तो ओपन द माउथ बेटा ओपन द माउथ ऐसे ऐसे करके खाते स्माइल करते सर, तो ऐसे हम बच्चों को खिलाते हैं सर। पेरेंट्स भी जब बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात सर हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब हर चीज़ में वो स्कूल से रिलेटेड हो पेरेंट्स से रिलेटेड हो कोई भी एक्टिविटी हो हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं, टीचर्स हो चाहिए ओवरऑल चीज़ में स्पोर्ट्स करती हैं सर। और हमारे स्कूल में सर जो भी होता है ओवरऑल एक्टिविटी के थ्रू होता है, ताकि माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम तनीषा गुप्ता है, एंड आई एम द क्लास टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में बच्चे कह सकते हैं कि वहाँ पर आते हैं जी, तो एक सेरेमनी होती है कि आप ग्रेजुएट हो गए। हाँ जी। यूकेजी से, तो आपको लगता है कि वो सीख के आए हुए कुछ, तो आपके पास भी काफ़ी हैंडलिंग करने के लिए काफ़ी काम रहता है? हाँ जी सर, बच्चे काफ़ी कुछ सीख कर आते हैं और मतलब उनको सिखाने में और आसानी होती है, बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और उनको मतलब हम एक्टिविटी के थ्रू जब चीज़ें समझाते हैं तो बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और हमारा स्टाफ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, लाइक हम लोग सारे बच्चे जो हैं वो टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं, और इसी तरह से हम बच्चों को मतलब मैनेज। लेकिन बदमाशी भी बच्चे उसी समय ज़्यादा करते होंगे? हाँ जी, बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, उन्हें थोड़ा डरा के भी रखना पड़ता है, बट वो है कि बच्चे बात ज़रूर मानते हैं। गार्जियंस को कैसे मोटिवेट करते हैं ताकि वो लोग भी आएँ जिस प्रकार से आज मंच पर आए? काफ़ी पेरेंट्स सर, हम पेरेंट्स को ऐसे मोटिवेट करते हैं कि जैसे मतलब हम उनको दिखाते हैं कि हम कैसे एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को मतलब सिखाते हैं चीज़ें, और बाकी हम पेरेंट्स को मतलब गाइड वगैरह करते हैं उसके थ्रू ऐसे। तो वो वीडियो वगैरह बना के बच्चे को भेजते हैं? हाँ जी, वीडियो वगैरह बना के बच्चे का दिखाते हैं, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स जैसे भी परफॉर्म करते हैं हम पेरेंट्स को उसी के थ्रू मोटिवेट करते हैं। क्लासेस यहाँ पर आगे हो गया, यानी पाँचवीं क्लास तक आ गया है। हाँ जी। तो ऐसे में और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी? हाँ जी सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, बच्चों को आगे क्लासेस फर्दर क्लासेस में भी लेके जाना है, उनके सिलेबस में भी उनको मतलब अच्छे से मैनेज करना है, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी बट वी विल मैनेज सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। जी दोस्तों, तो ये थे पूरे टीचर से शांति जूनियर स्कूल्स के बच्चे नरेला के, खास तौर से टीचर से जो बच्चों को मैनेज करते हैं, और निश्चित तौर पर यही कारण है कि बच्चे अपने परफॉर्मेंस देने में अति उत्साहित और कॉन्फिडेंस के साथ मंच पर दिखे। जी दोस्तों, बन रहेगा हमारे साथ कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।